सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति। तो कल हम चर्चा कर रहे थे 10 हेतु 10 कारण त्रिगुण के। उससे पहले चर्चा चल रही थी ना कि त्रिगुण को कहाँ रहते हैं, कैसे जाने, और फिर उनको अगर बदलना है हमें तो कैसे बदलें। तमोगुण रजोगुण को अभिभूत करके सत्वगुण को यदि ऊपर रखना है तो कैसे करें। तो कल कितने हेतु बताए उसके? 10 हेतु बताए। वहाँ 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 हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला हेतु क्या बताया? शास्त्र। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हमें वही पुस्तकें पढ़नी हैं जो सत्व प्रधान हैं। रजोगुणी तमोगुणी पुस्तकें हैं उनको नहीं पढ़ना, तो ख्याल रखना पड़ेगा सबसे पहले। और पुस्तक के साथ साथ उसमें सब कुछ आ जाता है, फिर टीवी भी उसी में आ गया, सोशल मीडिया भी उसी में आ गया। आगम का मतलब है जो हमें वहाँ से ज्ञान मिल रहा है। हमें टीवी पे भी देखना है तो कैसे कार्यक्रम देखने चाहिए? सत्व प्रधान। जो ऐसे संत महात्मा आते हैं जिनके अपने जीवन में प्रामाणिकता है, उस प्रकार का जो जीवन जीते हैं साधना से युक्त, उनके कार्यक्रम सुनने चाहिए। नहीं तो वो झूठ मूठ सीरियल बना देते हैं और ऐसे ऐसे उसमें कथाएं बना देते हैं, शक पैदा कर देते हैं। तो उनका तो झूठा है, लेकिन ये देखने वाले के जीवन में सचमुच वो चीज़ें आ जाती हैं। कहीं शक आ जाता है, कहीं ईर्ष्या आ जाती है, कहीं झगड़े आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, और फिर तामसिक उससे भी निकृष्ट। तो चाहे हम मोबाइल पे देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, कुछ मैसेज ऐसे आते हैं, आपको पता है इस नंबर से जो मैसेज आते हैं वो हमेशा इस तरह के होते हैं जिनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले ही उसको डिलीट कर दो। क्योंकि पढ़ के डिलीट करेंगे तब तक वो अपना प्रसाद तो दे ही गया हमें, और हो सके तो उसको अपने उससे ही डिलीट कर दो, अपने ग्रुप से ही, या आप छोड़ दो उसको। आगम। दूसरा आहार। अब आहार में भी आप देखेंगे ना, जैसे कल हमने बताया कि सात्विक आहार। अब सात्विक आहार का इतना विस्तार हो सकता है, जो आहार सात्विक भाव से उगाया गया हो, सात्विक स्थान में उगाया गया हो, फिर सात्विक भाव से उसको बनाया गया हो, सात्विक भाव से खाया गया हो, तो ये सब सात्विक आहार में आएगा। तब किस व्यक्ति ने किस भाव से उगाया, खेत में बोते समय उसका क्या भाव था, वो हमारे वश में थोड़े ही है। क्या पता वो अपने घर से गुस्सा करके गया हो पत्नी से और नाराजगी में बोया हो। अब जो बनाने वाले हैं स्वामी सहदेव जी और इनकी टीम, अब पता नहीं उन्होंने किस भाव से बनाया हो। कुछ ब्रह्मचारी ऐसे भी गए हों कि यहाँ करके भी चूल्हा फूकना पड़ता है, नाराजगी में गए हों, लेकिन मैं किस भाव से खा रहा हूँ ये मेरे वश में है। अगर पिछले 2 कारण हैं वो भी कोशिश करनी चाहिए कि बनाने वाले को सताना नहीं चाहिए, तो आप लोग झगड़ा ना किया करो इनसे। तंग तो नहीं करते है कोई स्वामी जी? करते हैं, कोई कोई करते हैं। तो आपको तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मन शांत रहेगा तो सबका खाना शुद्ध बनेगा, सात्विक बनेगा। उनका मन अगर नाराज रहेगा तो वो उसका असर उसमें भी आएगा फिर। पर वो 2 कारण
उनमें यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। लेकिन तीसरे वाला हमारे अपने हाथ में होता है, किस भावना से खा रहे हैं हम, खाते समय हमारे चित्त की क्या स्थिति है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाकी के दो को भी वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसमें इतनी सामर्थ्य है हमारे वाले में। बाकी दो को यदि हम कंट्रोल ना भी कर पाए तो तीसरे वाले को, तो खाना खाते समय कभी टीवी आदि नहीं देखना चाहिए, कभी न्यूज आदि नहीं सुनना चाहिए, कभी और कोई इसमें आते हैं ना व्हाट्सएप आदि पे, तो वो नहीं सुनना चाहिए, किसी से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान उसमें होना चाहिए, आहार में, प्रतिपल जितनी देर भी हम खाएं। तो उससे अलग प्रकार के रस बनते हैं, अलग प्रकार के हार्मोन्स पैदा होते हैं, उस आहार के भी अलग रस बनते हैं। हड़बड़ाहट में खाते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया खाने की तरफ, तो और चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तब अलग प्रकार के रस बनते हैं। लेकिन इसमें भी कभी कभी तो ऐसे भी तो होता है कि अपना ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, चाहते हैं कि अच्छे भाव में खाएं, लेकिन फिर भी मन में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, और वो विचार जो है वो बहुत तेजी से घूम रहा है हमारे चित्त में, कोई राजसिक या तामसिक, वो हटके ही नहीं दे रहा है, फिर क्या करें। तो कल अपनी एक बेटी पूछ रही थी, बोल जी आप कहते हो कि सारे हमारे दुख परेशानियां जो हैं वो हमारी अपेक्षाओं के कारण हैं, हम अपेक्षा करते हैं इसलिए दुख होता है, परिस्थितियां दुख नहीं देती हैं, तो क्या ऐसे हो सकता है कि हम बिल्कुल निरपेक्ष हो जाएं, ऐसा संभव है? अब इनका संभव तो है, क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों ने ऐसा करके दिखाया है, हमारे सामने उदाहरण हैं, और ये प्रकृति भी निस्वार्थ भाव से ही कर रही है। अब धरती माता हमारे लिए कितना कर रही है, लेकिन कैसे करती है, निरपेक्ष भाव से करती है, हम तो कभी धन्यवाद देते ही नहीं है पृथ्वी को। सूर्य भी हमारे सामने निरपेक्ष भाव से कर रहा है, वायु भी निरपेक्ष भाव से, सब अपनी सेवाएं तो कर रहे हैं अहर्निश, लेकिन निरपेक्ष भाव से कर रहे हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं तो बोल एकदम सही, मतलब तुरंत ऐसे बन जाएंगे क्या? तो ये मैंने नहीं कहा कि तुरंत आप बन जाएंगे, या कोई भी व्यक्ति बन जाएगा, या हम बन जाएंगे, जितनी जिसकी सामर्थ्य है। क्योंकि हमारे से भूल यही होती है कि जैसे यहाँ सुना और हम तुरंत उसको आज ही और पूर्ण निरपेक्ष हम होने की कोशिश करते हैं, और फिर हो पाते नहीं है, एक दिन में कैसे हो सकते हैं, तो फिर हमें डाउट होता है कि ये जो बताया है ये संभव भी है कि नहीं है, करने योग्य भी है कि नहीं है, तो कहीं मैं इसमें उलझ करके और मेरा जो अच्छा भला जीवन जी रहा था उससे भी कहीं तो मैं भटक ना जाऊं, ऐसे लगता है व्यक्ति को। अच्छा भला जी कहाँ रहा था, हमें अपने दुख का कारण दूसरों को मानते मानते कितने वर्ष हो गए, 20, 30, 40, 50 वर्ष हो गए, और अभी तक हमारे दुख क्यों नहीं समाप्त हुए, क्योंकि हमने पहले ये सोच लिया कि दुख तो मेरे को ये दे रहे हैं, तो ये अपना दुख देना बंद करें तो मैं दुखी होना बंद करूं। और उन्होंने उनसे पूछा तो बोले हम दुख दे ही नहीं रहे, अपने आप सोच सोच के हो रहे, हम तो अपना काम ठीक कर रहे हैं, तो उनको तो चेंज करना नहीं है अपना पैटर्न, और हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो सोचा कि ये दे रहे हैं, हम तो दे अपने आप को दे ही नहीं रहे। तो हम दूसरों को ब्लेम करके 20-30 साल से तो दुखी हो रहे हैं, इतने लंबे पीरियड से, वो तो हमें स्वीकार है, लेकिन 5-4 वर्ष अपने आप के ऊपर वर्क करना हमें स्वीकार नहीं है कि हम ही ठीक कर लें इन चीज़ों को, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम करें तो भी हम एक दिन में करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो आप कहीं गए किसी नदी के पास घूमने के लिए, गए गंगा के पास गए, और उसमें घुटने तक ही पानी था, और आप उसमें घुस गए, आपको लगा कि तो घुटने तक ही तो पानी है, और जब आप अंदर गए तो उसका प्रवाह इतना तेज था कि आपके पैर उखड़ने लगे,
और जब पैर उखड़ते हैं तो आप पूरी ताकत लगाते हैं ऐसे ऐसे रुकने की, लेकिन प्रवाह इतना तेज है कि वो आपके पैर उखाड़ देता है और आप गिर जाते हैं। फिर हिम्मत करके खड़े होते हैं, प्रवाह फिर गिरा देता है, फिर खड़े होते हैं। और फिर कभी तो ऐसे होता है कि आप नहीं खड़े हो पाते हैं और वो बहा ले जाता है प्रवाह, और कोई बचा ले यदि उस समय और पूछे आपसे कि कैसे, तो बोले जी मैं क्या करूं, वो प्रवाह ही इतना तेज था। तो अब इस प्रवाह की, इस गंगा के इस प्रवाह की FIR कहाँ दर्ज कराओगे? है कोई जगह ऐसी कि उसको ब्लेम करके और आपके दुख का नाश हो जाए, वो बहना मतलब आराम से बहना शुरू कर दे, ऐसा उपाय है? कोई कोई उपाय नहीं है। और आप उसके पास ही बैठ करके रोने लगें, चिल्लाने लगें, कि कोई तरीका है ऐसे पैरों को उखाड़ने का? आप आराम से भी तो बह सकती हो, तो मान लेगी आपका कहना, दूसरा सुनेगा तो आपको ही नादान बताएगा। अच्छा, उसको कोई, गंगा को कोई परवाह ही नहीं है, वो आज भी उसी प्रवाह से बह रही है, 2 घंटे के बाद भी, पूरा दिन हो गया शिकायत करते रोते हुए, वो सुन के ही नहीं देती, अगले दिन भी उसी प्रवाह से बह रही है, उससे अगले दिन भी, उसको लगता है मैं अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तो इस व्यक्ति को यदि नहीं बहना है और प्रवाह में यदि नहीं गिरना है, तो इसको क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? पहली पहला है कि या तो जाना ही नहीं चाहिए, जब खड़ा ही नहीं हो सकता तो घुसा क्यों था? और यदि जा रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति बढ़ा, तेरे पैर ऐसे हों अंगद जैसे कि उसको कोई हिला ना सके, एक बार जमा दिया तो वहां तो आपको पता है कि इस व्यक्ति को 2 उपाय करने चाहिए, या तो इसको उसमें जाना ही नहीं चाहिए, भाई सामर्थ्य नहीं है तो उलझते क्यों हो लोगों से, अपने बच के रहो। और यदि आपकी नियति ये है कि आपको रोज उसमें से उस पार जाना ही पड़ेगा, आप बच सकते नहीं हो, आपका रोजाना गंगा के उस पार क्लास होनी है, तो आपको क्रॉस करके जाना ही है, आप नहीं बच सकते हैं, तो फिर क्या करना है? फिर अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, कोई साथी पकड़ लो, पुल बना लो, कोई ऐसा मजबूत सा पकड़ लो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन या और कोई है तो आप बता दो, और कोई उपाय है क्या करें? हाँ तो वो पकड़ लो, ठीक है, गाय भैंस पकड़ लो, मतलब कोई भी एक साथी ऐसा पकड़ो जो आपको पार उतार दे। पर उपाय किसको करना पड़ेगा? गाय भैंस आपको पकड़ के लानी पड़ेगी। अरे जो भी उसको ज्यादा क्यों आप डुबाते, उसको मत लाओ, लाना आपको पड़ेगा ना। प्रयास किसको करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा, चाहे मैं पुल बनाऊं या अपनी सामर्थ्य बढ़ाऊं या किसी मजबूत व्यक्ति को साथ लेके जाऊं, गाय को साथ लेके जाऊं, रस्सा बांध दूं इस छोर से उस छोर, उसको पकड़ के, लेकिन प्रयास तो मुझे करने होंगे ना। तो इस संसार रूपी नदी में ये भी प्रवाह से बह रही है, उपनिषदों में बताया ये वक्रीली नदी है। इस संसार रूपी प्रवाह में जब हमारे पैर उखड़ते हैं तो हमें सबसे पहले शांति पूर्वक ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे या तो अपनी सामर्थ्य बढ़ानी है या किसी ऐसे समर्थ गुरु की शरण में जाना है कि वो मुझे बचा ले ऐसी स्थिति आई तब, या किसी ऐसे सशक्त शास्त्र को पकड़ करके कि मुझे इसके वचनों से इधर उधर नहीं होना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो रोजाना ध्यान उपासना करते हैं, वो आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का उपाय है, बाहर की शक्ति को बढ़ाने का उपाय है व्यायाम प्राणायाम करना, रोज दौड़ लगाना, अच्छा खाना खाना, तो शरीर पुष्ट हो जाएगा। अंदर से जब गिरना नहीं है, बहना नहीं है प्रवाह में, उसके लिए क्या करना पड़ता है? रोजाना ध्यान करना पड़ेगा, रोजाना उपासना, और फिर उस ध्यान उपासना का प्रभाव वो सब कर्मों में अनुस्यूत होकर के आना चाहिए। सब कर्म करते हुए भी उसको प्रयास पूर्वक पकड़ पकड़ के लाना उस स्थिति को। तो जब आप शुरू में इस तरफ ध्यान देंगे
तो कई बार ऐसा होगा आपको पता भी है कि ये पानी मेरे पैर उखाड़ रहा है, इसमें पानी की गलती नहीं है, मेरी शक्ति की कमी है, लेकिन फिर भी आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप गिर जाएंगे। लेकिन आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि इसमें पानी को चेंज नहीं होना, चेंज किसको होना है, मुझे होना है। तो वहां से शुरुआत हो जाती है न डूबने की। तो इस संसार में भी जब हमने ये मान लिया कि इस समय मेरा मन दुखी है और इस मेरे दुखी मन का कारण ये लोग नहीं, मैं हूं, इतना यदि आपने मान लिया तो समझ लो आपकी दिशा बदल गई। अब सदियों से नहीं बदली थी वो, जन्मों से नहीं बदली थी। जन्मों से तो यही सोचते आए थे कि दूसरे दुख देते हैं, और इसलिए हम पूरा उन्हीं को ठीक करने के लिए मंथन विचार करते थे, चिंतन करते थे, दूसरे को बताते थे। आज पहली बार अंदर से ये एहसास हुआ है कि इसका कारण मेरा सोचने का तरीका है, मेरी अपेक्षाएं हैं, मैंने इनसे अपेक्षा बना रखी हैं। वो व्यक्ति तो ठीक है, वो अपने ढंग से चल रहा है। तो यहां से अब मुझे कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा, या तो मुझे इसकी बजाय कोई ऐसा कोई और अपना साथी चुनना पड़ेगा जिसके साथ मेरी नहीं निभ रही है, या तो मुझे बिना ही साथी के रहना है, या तो मुझे ईश्वर के साथ रहना है, कुछ भी करना है, या तो मुझे अपनी सामर्थ्य इतनी बढ़ा लेनी है कि ये कुछ भी करते रहें पास में। मतलब भाई संसार में रह रहे हैं तो कभी कभी कोई लोग हमारा कहना मान भी लेंगे, कभी कभी नहीं भी मानेंगे, तो उसके लिए अपने मन को तैयार करके रहें। या फिर ठीक है, ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी मानते हैं, कभी कभी आरोप भी लगा देते हैं, कभी कभी दूसरे डांट भी देते हैं, कभी कभी बिना कारण के भी डांट देते हैं, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है जिस समय जो व्यक्ति डांट रहा हो उसको भी बेचारे को कोई परेशानी हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत सारे उपाय हैं, अनेकों उपाय हैं। तो पहले हम ये सोचें, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कई बार जैसे त्रिगुण की बात हो रही है ना, आप चाहते हैं कि इस समय जो मेरे मन की स्थिति है, मनस्थिति है, ये ठीक नहीं है, पूर्ण प्रसन्न नहीं है, और मुझे अपने आप को सत्वगुण में लाना है, इस परिस्थिति में नहीं रखना है अपने मन को, टेंशन वाली स्थिति में नहीं रखना है, और उसको देख भी रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि ये मैंने ही पैदा की है, लेकिन तब भी आपके पैर उखड़ेंगे, आप देखते हुए भी नहीं ला पाएंगे। जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि मेरी ही जिम्मेदारी है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करना है? फिर शांत रहना है, उसको देखना है, मैं नहीं कर पा रहा हूं इसको भी देखना है। तो उस समय और ज्यादा परेशान होंगे तो हमारी और ज्यादा शक्ति का ह्रास होगा। फिर तो आपको कुछ, जब आप शुरू करेंगे ना अपने अंदर वाली उसको मजबूत बनाने की, अंतःकरण को मजबूत बनाने की, मन को, विचारों को, भावों को सात्विकता में लाने का बार बार प्रयास करेंगे, तो कभी ऐसे होगा कि आपके प्रयास करने के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे, आपके पैर उखड़ जाएंगे देखते हुए। तो तब धैर्य रखना धर्म का पहला लक्षण है। आज उखड़ रहे हैं, इस समय ये स्थिति है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। कभी कभी जिस गाय का दूध निकालते हैं, रोज दूध देती है और आज दूध देने से पहले लात मार रही है, तब क्या करता है मालिक? पहले तो धमकाता है उसको, तो धमकाता है तब और ज्यादा मार रही है, तो फिर क्या करता है? फिर उसको स्वीकार करता है, उसको पुचकारता है, सहलाता है, और नाराज नहीं होता है, क्योंकि नाराज हुआ तो इतना दूध दे रही है वो भी नहीं देगी, फिर क्या करोगे? तो कह रहे हैं दूध तो देती है ना, तो आज एक लात मार दी तो कोई बात नहीं, तो उसको वो स्वीकार कर लेता है, और कभी मौका देखता है, अगर वो डांटने से ठीक हो जाए तो डांट दे देता है, कभी पिटाई भी कर देता है, तो कभी तो पीटने से ठीक हो जाती है, कभी डांटने से ठीक हो जाती है,
और दोनों से ठीक ना हो तो पुचकारने से ठीक होती है, क्योंकि दूध दे रही है ना, इसलिए उसको जान से तो मार नहीं सकती। तो हमारा जो मन है, ये मेरी दूध देने वाली गाय है। भैया, मन मेरा कितने लगभग 200 करोड़ वर्षों से मेरा साथ निभा रहा है, और आगे भी मुझे तो इसी के साथ अपनी यात्रा करनी है। तो ये मेरा सच्चा सहयोगी है, मेरा सच्चा मित्र है, मेरा अच्छा माता पिता है ये। क्योंकि जब बाहर के कोई भी माता पिता, भाई बहन, गुरु कोई भी नहीं होते हैं, तब ये मेरे को संभालता है ना। मन के विचार से ही तो अपने आप को व्यक्ति ठीक करता है। तो इसने आज अभी सत्व गुण में आने से मना कर रहा है, अभी इसी में ही ये उलझा हुआ है। तो उसको फिर दृष्टा भाव से देखना चुपचाप, या कभी उसको डांट भी सकते हैं। परोपे ही मनस पापा, ये डांटना है, और कभी उसको सहला सकते हैं, पुचकार सकते हैं। भाई, आपको भी सुख मिलेगा, मेरे को भी सुख मिलेगा। इतने दिन से आप ऐसे इस रास्ते पे, इस ट्रैक पे चलते चलते आप भी दुख ही पा रहे हो, मुझे भी दुख मिल रहा है, तो चेंज कर लेते हैं इसको। कोई जाने ना ना जाने, कोई मेरी प्रशंसा करे ना करे, कोई मेरी सच्चाई को पहचाने ना पहचाने, तू तो जानता है और मैं जानता हूँ, तो अपन दोनों मिल करके आगे बढ़ते हैं। तो कभी वो समझाने से मान जाता है हमारा मन। तो ऐसे बार बार ऐसे अपने मन को छोटे बच्चे की तरह, वो दूध देने वाली गाय की तरह संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा सच्चा हितेशी है, हमारा मन। तो ये हमें बता रहे थे कि बार बार हमें ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है और इसके 10 हेतु कल जो बताई थी, वहां से हटाने के लिए आगम अपह प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशेते गुण हेतवः। तो इन 10 जगह में बार बार ये प्रयास करना चाहिए कि सत्व गुण को उभारना है, रजोगुण तमोगुण को हमें अभिभूत करना है, ऐसे ही आहार लेना है, ऐसे ही लोगों की संगति में बैठना है, ऐसे ही स्थान का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। अब आप क्लास में आते नहीं हैं, तो अपने कमरे में सोए रहते हैं, तो कौन से स्थान का चयन किया इस समय आपने, राजसिक या तामसिक, सात्विक स्थान को छोड़ करके? तो सात्विक स्थान में आना चाहिए, क्योंकि वहां मन की अलग स्थिति होती है, यहाँ अलग होती है। काल, सुबह शाम का काल बताया था, तो उसको कभी मौके को चूकना नहीं चाहिए, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए, इस काम को। नहीं तो व्यक्ति को क्या होता है घर में, जी आज तो आंख लग गई, रोज 4 बजे उठ जाते थे, आज 5 बजे उठे तो अभी काम पड़ा हुआ है, तो आज क्या करें फिर, तो आज ध्यान को कट कर देते हैं। जो सुबह उठ के ध्यान किया करते 1 घंटा, आधा घंटा, तो वो कोई बात निकल कर लेंगे, नाश्ता तो जरूर बनाना ही पड़ेगा, तो नाश्ते में लग जाते हैं। आपको किसी दिन लेट हो जाए जी व्यायाम प्राणायाम, तो चलो आज व्यायाम प्राणायाम करना तो जरूरी है, तो चलो आज ध्यान को छोड़ देते हैं, उपासना को छोड़ देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति इस काम को छोड़ता है, ध्यान उपासना वाले काम को, पूजा पाठ वाले काम को, क्योंकि इसको हमने क्या समझ रखा है, फालतू का काम। और ये है क्या, सबसे महत्वपूर्ण काम। नाश्ता एक दिन नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, उपवास कर लेंगे, पर इसमें नागा नहीं करना है। व्यायाम नहीं हो पाया तो शाम को कर लेंगे, मतलब वो भी जरूरी है, लेकिन वो सेकेंडरी है, क्योंकि इसके पीछे पूरा जीवन चलता है। तो अंदर वाले को मजबूत करना, आप 5 बजे भी उठे तो कम इसको आधा घंटा दे दो, पर इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना कि आज इसको बिल्कुल नहीं करते हैं। और रोज जब करते हैं तो उसके फिर संस्कार बन जाते हैं, और वो फिर अंदर का ताकत बढ़ते बढ़ते फिर वो सारे कामों में भी। एक बार आपने सुबह उठ करके अपने आप को चार्ज कर लिया ना यदि, तो फिर दिन भर आप अपने काम करते रहो, काम जल्दी निपटेंगे। कुछ लोगों ने बताया कि जी हम पहले व्यायाम प्राणायाम आदि नहीं करते थे, देर से उठते थे, तो इतना सो लिए 6-7 बजे तक, फिर भी
शरीर भारी भारी रहता था, सब काम करते हुए भी टेंशन सी, आलस से प्रमाद सा, ऐसे झूलते झूलते सारे काम करते थे दिन भर के। और जब से योग करना शुरू किया, अब 12 बजे ही काम खत्म हो जाते हैं और फिर हम कुछ स्वाध्याय भी कर लेते हैं और वो कामों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई। तो ऐसे बहुत लोग अपने अनुभव बताते हैं। और फिर जो लोग ध्यान आदि करते हैं, उपासना करते हैं, जब उनका अंतःकरण वाली भी सामर्थ्य बढ़ती जाती है, तो फिर उनके जीवन में पता लगता है ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, प्रतिकूल परिस्थितियां आई, और वो उसको भी सह गए, उसमें भी वो खड़े रहे। तो किसी साधक ने बताया, बोले लोगों को मेरा यही अंदाज खलता है कि इसको इतनी ठोकरें लग चुकी फिर भी ये सीधा क्यों चलता है। कुछ लोगों को इससे ही परेशानी होती है, इसके जीवन में इतने झंझावात आ रहे हैं, इतनी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, फिर भी ये गिरता ही नहीं है, फिर भी खड़ा हुआ है, फिर भी चलने की हिम्मत रखे हुए है। तो ये हिम्मत अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। और महर्षि दयानंद ने भी यही कहा कि ईश्वर का भक्त होने से उसकी भक्ति करने का फायदा क्या है? पहाड़ जैसे दुख को भी आसानी से सहन कर लेता है, क्योंकि दुख सुख तो आएंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि जी ये अध्यात्म मार्ग पे चल पड़ो और फिर सारे दुख खत्म। दुख खत्म नहीं होते हैं, दुख तो आएंगे, सुख भी आएंगे। जीवन का प्रवाह है ना, रोजाना रात भी आती है, दिन भी आता है, दोनों का सदुपयोग कर लेता है समझदार व्यक्ति। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि आप ईश्वर की भक्ति में लगें और दुख नहीं आएंगे, क्योंकि पीछे पीछे वाला अकाउंट है, उसको कौन क्लियर करेगा? पहले दोनों करके आए हैं ना, इसलिए तो मानव जीवन में आए, तो पीछे वाले कौन भुगतेगा? मुझे ही भुगतने हैं। लेकिन उसको भुगतते हुए परेशानी ना हो, कष्ट ना हो, ये ताकत आती है भगवान की भक्ति करने से, उपासना करने से। आसानी से सह जाएगा फिर। जो बलवान आदमी है, उसको मान लो कहीं ठोकर लग गई, गिर भी गया वो, फिर उठ के चल पड़ेगा। तो वो जो चोट लगी उसको सहने की इसमें शक्ति है, क्योंकि इसका शरीर बलवान है। और कोई है ही इतना तिनके जैसा तनक मनक, वो गिर गया तो उसकी तो हड्डी टूटी मिलेगी फिर, क्योंकि बल ही नहीं है, एक बार गिरा तो टूट फूट हो जाएगी फिर। ये ताकत इससे आती है। तो इसमें देश का, काल का, कर्म का, कर्म करने ही होते हैं हमें रोजाना, कर्म से हम बच सकते ही नहीं हैं। तो धीरे धीरे अपने कर्मों की क्वालिटी को कैसा बनाना है हमें, कल से आज अच्छा, आज से भी आने वाले कल में अच्छा। जो कर्म करते हैं ना, कल तक जिस काम को मैं ऐसे करता था, आज उसको और ज्यादा अच्छे ढंग से करूंगा, जिससे मुझे भी प्रसन्नता मिले और काम सुंदर से भी सुंदरतर हो। और फिर इस भाव से कि इस तरह का तो कभी किसी ने किया ही नहीं, ऐसा काम आज करूंगा, इस भाव से करें उसको, तो कर्म सात्विक हो जाएंगे फिर, प्रसन्नता पूर्वक किया जाएगा ना ऐसा कर्म, तो वही कर्म हमारा सात्विक हो जाएगा। और ऐसे ही एक वर्णन समझ करके करना होता है, तो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो कैसा हो गया, राजसिक हो गया, और बिल्कुल जबरदस्ती, मतलब खींच खींच के करवाते हैं, परेशानी पूर्वक करता है, तो वही कर्म तामसिक हो गया। शास्त्र स्मरण तो करते हैं, कुछ तो कर रहे हैं प्रसन्नता से, देखो मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं, और ये जो सुनने वाले हैं इनका कितना अनुग्रह है कि ये हमारे को टाइम दे करके, ये नहीं तो ये हमारी शक्ति अनभिव्यक्त ही रह जाती, और हमारी शक्ति को बढ़ा रहे हैं ये, और प्रसन्नता पूर्वक करते हैं उसको, भक्ति पूर्वक, यही मेरी गुरु की भक्ति है, यही मेरी ईश्वर भक्ति है, तो उसको थकान नहीं होती है, सुना करके भी प्रसन्नता होती है। दूसरे होते हैं कि जब तक आप खड़े हैं सिर के ऊपर डंडा लेके, तो याद करते हैं और छोड़ा तो नहीं करते हैं, तो कर तो रहे हैं, लेकिन ये कैसा कर्म हो गया, राजसिक। और कुछ तो ऐसे अड़ियल घोड़े की तरह से अड़ जाते हैं कि आप जो मर्जी बोलते रहो, आप जो मर्जी सुनाते रहो,
करना नहीं है हमें तो ये मन की स्थिति कैसी है? तामसिक। दूसरा कह रहा है या तो करो या तो मरो, आपके बिना किए हम भी छोड़ेंगे नहीं आपको, तो फिर मजबूरी में करना पड़ता है। तो किया तो सही लेकिन हो गया कैसा ये, करके भी ना तो सुनने वाले को प्रसन्नता ना तो सुनाने वाले को प्रसन्नता, तो कैसा कर्म हो गया? तामसिक। क्या पुरुषार्थ करना है हमें, क्या प्रयास करना है? तामसिक से राजसिक, राजसिक से, और ये उसी दिन ही करना है? कभी बोले जी अभी तो तामसिक से निकले हैं, थोड़े 2-4 महीने तो राजसिक में चलेंगे, ऐसे नहीं, अपने मन को लिबर्टी नहीं देना। सात्विक में तो तुरंत आना है, और ऐसे ही ध्यान, ऐसे ही मंत्र, ऐसे ही संस्कार, तो ये इसको रोज हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें हैं ये त्रिगुण वाली।